करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन से खास उपाय करें, बताइए पंडित जी, मेष राशि के लोगों के लिए। देखो, जिन लोगों की मेष राशि होती है पूजा, उनके पति भाव या पत्नी भाव का स्वामी शुक्र होता है। मंगल और शुक्र अगर दोनों ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होता है। लेकिन दोनों अगर परस्पर छठे आठवें हों, दोनों में से कोई एक ग्रह अस्त हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में कटुता होती है। इसका मतलब नहीं तलाक ही हो जाएगा, कटुता होगी, अनबन होती रहेगी, बात नहीं बनेगी, दोनों में बातचीत बंद हो जाएगी, ऐसे जिंदगी की गाड़ी गिरते उठते चलती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मेष राशि के जातक जो हैं वो अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 12 गुलाब के लाल फूलों का गुलदस्ता अपने पार्टनर को दें, और ब्रेकअप से बचने के लिए मेष राशि वालों को दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और कृष्ण मंदिर में चांदी की बांसुरी और पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। और अगर आपकी मेष राशि है और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपको लगता है कि अब साथ नहीं निभने वाला है, तो आपको मेरे कहने से एक बार बृहस्पतिवार को वृंदावन बांके बिहारी मंदिर जाना चाहिए। वहाँ आप दोनों पति पत्नी को एक ही पीले फूल की माला खरीदनी चाहिए, एक ही जगह प्रसाद लेना चाहिए, दो जगह नहीं, और दोनों लोग सामूहिक रूप से ग्रंथबंधन करके और वहाँ बांके बिहारी के सामने खड़े होकर के और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें और प्रसाद चढ़ाएं। आप निश्चित रूप से विश्वास करिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।